तो मां के गर्भ में जब पता चले कि बच्चा आ गया है, नीम रखी जा चुकी, आत्मा आ चुकी है, क्योंकि वो शुरू में ही आ जाती है, तो तभी से रूटीन बना लें, अपने लिए नहीं, कम से कम बच्चे के लिए, कि मैं आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को मालिक का नाम जपूंगी ही जपूंगी। और पति महोदय पति देव वो भी रूटीन बना लें कि मैं भी सत्संग की सीढ़ी या शब्दों भजनों की सीढ़ी खुद भी सुनूंगा और अपनी बीबी को भी सुनाऊंगा, क्योंकि उसका भी फर्ज है कि चलो सुमरण में कहीं कमी रहे तो शब्द या सत्संग सुन के उस बच्चे के जो संस्कार मां के गर्भ में है वो टॉप क्लास के बन जाएं, बहुत अच्छे बन जाएं। जब तक बच्चा पैदा नहीं होता, बड़ा नहीं होता कुछ हो सके, तो आपस में लड़ाई ना करो। लड़ाई की बातें क्या होती हैं? तूने सब्जी में नमक कम डाला तो डाला क्यों? गांव की बात करते हैं आपको, हो सकता है शहरों में भी होता हो। आज मिर्ची ज्यादा है, अरे मिर्ची ज्यादा थोड़ा दूध डाल लो, नमक ज्यादा आटे की गोलियां बना के अंदर डाल दो, नमक को खींच लेगा, खत्म हो जाएगा, क्या बात है, सब्जी फिर बढ़िया की बढ़िया। नमक मिर्च कम है, थोड़ा नमक मिर्च ऊपर से डाल लो, कम से कम अपने बेटे के लिए नमक मिर्च का तो मामला कर ही सकते हो आप। तो इन छोटी छोटी बातों को, ये एक उदाहरण है, रोटी सड़ गई, अंदर जाके कौन सा फूलेगी, वो भी सड़नी है, थोड़ी बाहर जलगी तो क्या हो गया। इतने भी असूलों के पक्के ना बनो, थोड़ा चेंज कर लो अपने आप को, अपनी औलाद के लिए, खुद के भले के लिए, पीढ़ियों के भले के लिए। तो ये रूटीन बना लेंगे, सुबह शाम माता सिमर करे और सुबह शाम जब भी समय मिले, पति देव जब भी टाइम मिले, सत्संग सीढ़ी की बातें, भक्त योद्धा या शूरवीर जो हुए हैं, संत हुए हैं, गुरु हुए, उनकी बातें करें। लड़ाई झगड़ा नहीं, प्यार मोहब्बत की चर्चा करें। बच्चा मां के गर्भ में जब होता है तो मां को बहुत स्वस्थ खाना खाना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए, जो भी मिनरल विटामिन्स जो कुछ भी हमें चाहिए, अच्छे डाइटिशियन से, अच्छे डॉक्टरों से राय लेके या गांव में किसी से भी पता करके वो खाना खाते रहना चाहिए, खाना छोड़ना नहीं चाहिए माता को। बात से बात आ गई, कईयों को लूज मोशन लग जाते हैं, खाना छोड़ देते हैं तो चारपाई पे पड़ोगे, लूज मोशन पंजाबी में थोड़ा बता दें, जिन्हें टट्टियां लग जाती हैं, नहीं समझ नहीं आता कई बार, तो वो खाना छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना चाहिए। गेहूं का फुलका और कोई भी हल्की फुल्की हरी सब्जी या दाल, कच्ची नई चीज खानी चाहिए, पका के आप खाते रहिए, और ORS या ये जो घोल होते हैं घर में जरूर होने चाहिए, या कम से कम नमक और थोड़ी चीनी या शहद मिला के उसको पी लें, पीते रहिए, चाहे कितने लूज मोशन लगे आप कमजोर नहीं होएंगे, चारपाई पे नहीं लेटेंगे, भागते रहेंगे घोड़े की तरह। तो वहीं पे फिर आते हैं, माता को खाना अच्छा खाना चाहिए, मेरे को तो उल्टी आती, आ जाने दे फिर खा लेना, कहीं खाती नहीं बहने, ना मेरे को तो चक्कर आ जाएंगे, तो चारपाई पे लेट जाना बेटा। तो खाना अच्छा खाओ, स्वस्थ खाना खाओ, ताकि बच्चा अंदर से मजबूत, और ये आपके अंदर मां को एहसास होता है, बाप को नहीं पता चलता, मां को एहसास होता है, अंदर तार जुड़ जाती है जब बच्चा गर्भ में आता है, वो क्लोने करता है, वो कभी करवट लेता है, अंदर से मूवमेंट्स होती हैं, मां के लिए वो गजब का समय होता है, एक अंदर से आनंद आता है, एक लज्जत आती है, यूं लगता है मैं कहीं और लोक में हूं, स्वप्न लोक में हूं, किससे जुड़ी हुई हूं, मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, वाकई वाकई ऐसे एहसास होते हैं। आप उसका नजारा लें, ना कि ये सोचे कि कोई बीमारी हो गई है आपको, आप इसीलिए तो धन्य है मां, क्योंकि इतनी देर अपने अंदर इतना वजन रखना, उसका पालन पोषण करना, अच्छे विचार का स्वामी रहे। चलो कभी किसी बात पे उत्तेजना हो जाती है, लड़ाई झगड़ा होने का अंदेशा हो ही जाता है, तो उस समय पति को चाहिए, क्योंकि बच्चा गर्भ में है पत्नी के, तो वो बाहर चला जाए, नारा लगा के पानी पी ले, कोई तगमा नहीं गिर जाएगा अगर दो बातें पत्नी की सुननी पड़ गई तो। मेल ईगो इतनी ऊंची मत करो,
कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह ये बच्चे का पालन पोषण सही चलता जाएगा। डॉक्टरी हिसाब से भी चेकअप रूटीन में करते रहिए जब भी समय मिले। और हम यहां भी आश्रम में भी कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहबान इसके लिए टाइम दिया करें सत्संग से पहले या एक दो दिन, कि जिन माता के जिन बहनों के बच्चा होने वाला है वो वहां चेकअप करवाएं फ्री में और उनको फ्री में सलाह दी जाए। नोट कर लें, ये एक नया काम यहां शुरू किया जाए। ऐसे काम बस सतगुरु जी शुरू करवा देते हैं, 100 का 101 हो जाएगा तो बढ़िया है। कि यहां पे फ्री कैंप हो, डॉक्टर जो भी स्पेशलिस्ट आते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिल्ली से आते हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि वो एक दिन जरूर दे दिया करें महीने में, ताकि उन माता बहनों को गाइडेंस दिया जाए। पूरा कुछ बातें लिख के रखी जाए हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, और बहनें वहां से नोट करके ले जाए कि क्या क्या करना चाहिए, कौन से महीने, महीने वाइज कि पहला महीना है तो क्या, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, नाइन्थ महीने तक, कि पहले महीने में क्या सावधानी और क्या खाना चाहिए, दूसरे में क्या, ऐसे ताकि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त पैदा होगी।